आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 83 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने नगरपालिका परिषद के कनिष्ठ लिपिक को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। लिपिक ने एक व्यक्ति से मीट की दुकान के लिए एनओसी के नाम पर यह राशि मांगी थी। इस कार्रवाई से रिश्वतखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। सपा सांसद अक्षय यादव शिकोहाबाद के नौशरा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ित परिवारों से मिले। उन्होंने सरकार से 4 लाख की जगह 50 लाख मुआवजे की मांग की और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। नौशहरा में 5 दिन बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है? ये नौशहरा की घटना बहुत बड़ी घटना है, जिसमें पटाखे बनाने वाला जो सामान रखा हुआ था विस्फोट हुआ, 5 लोगों की जान गई और कई गंभीर घायल हुए, जिनका आगरा में इलाज चल रहा है। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो मुआवजा यहाँ 4-4 लाख का दिया है, 4 लाख ना दे के 50-50 लाख के इनकी मदद करी जाए। जितने घर टूटे हैं उनको बनवाने का काम कराया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। क्या समाजवादी पार्टी भी इन लोगों को मुआवजा देने का काम करेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अपने पास से इनकी मदद करने का काम करेगी। महाराजगंज के पुरदरपुर थाना क्षेत्र में रोहिणी नदी में नहाते समय 4 लड़कियों में से 11 वर्षीय ऋषा डूब गई। अन्य 3 लड़कियां उसे बचाने में गईं लेकिन वो भी डूबने लगी। गांव के एक लड़के ने तीनों को बाहर निकाला लेकिन ऋषा बह गई। ग्रामीणों और SSB की टीम ने उसकी तलाश की और सुबह 11 बजे उसका शव मिला। ऋषा की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। झांसी के गरोट में ज्यादा बारिश की वजह से फसलों को नुकसान को लेकर किसान कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 100% नुकसान वाली तिल्ली, उर्द, मूंग और मूंगफली फसलों के लिए शीघ्र मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के गोपालपुर गांव में 764,97,00,000 रुपए की 127 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले माफिया सक्रिय थे लेकिन अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं। योगी ने जाति के नाम पर खेल होने की बात करते हुए कहा कि आज विकास हो रहा है लेकिन विपक्ष इसमें बाधा डाल रहा है। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त, भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा, यही आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। प्रतापगढ़ में भाई को न्याय दिलाने की आस में पीड़ित परिवार इधर उधर भटक रहा है। दरअसल भाई के सीने में दर्द हुआ था तो परिजन उसे प्राइवेट क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां पीड़ित का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के 2 मिनट बाद उसके भाई की मौत हो गई। मौत के बाद पीड़ित परिवार CMO ऑफिस से लेकर थाने के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने SSP से मिलकर भाई को न्याय दिलाने की मांग की है। क्या कुछ घटना हुई सर? मेरा भाई है, एक छोटा भाई था मेरा, मैं सर उसके सीने में दर्द हुआ तो मैं उनको लेके क्लिनिक पे गया था, राजकुमार केसरवानी महेशगंज सर। तो उनको जो है मतलब हम लोग गया दिखाया, उसके बाद उन्होंने बताया कि इनके पेट में गैस बना हुआ है तो सर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिया। जो इंजेक्शन लगाने के बाद मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के अंदर मेरा भाई एक्सपायर हो गया। एक बार मेरी मम्मी मेरे बच्चे को लेके गई थी, मेरा एक छोटा बेटा था 5 महीने का, उसको लेके गई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही हरकत किया था। तो मतलब वो लड़का जो है उसको तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमको चिल्ड्रन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। मैं कुंडा में दिखाया तो मम्मी वहाँ जाकर उनको खूब बोली वाली थी तो वही वो पुराना वही अपना जो रंजिश था उनका वही सब निकालने के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाया है सर। और इंजेक्शन लगाने के 1.5 से 2 मिनट मेरा भाई एक्सपायर हो गया। फिर मुझे जबरन गाली और गलौज करते हुए कि तुम लोग अपने भाई के यहाँ से हट जाओ तुम लोग, नहीं तुमको भी यहाँ मार दूंगा। झांसी के ग्राम भरोसा में मगरमच्छ की गतिविधियों से ग्रामीण दहशत में है। पहले तालाब में मगरमच्छ का वीडियो वायरल हुआ, फिर एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बावजूद जिला प्रशासन और वन विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।
फरुखाबाद में तहसील सदर का भवन करोड़ों की लागत से बनने के बाद दरक गया है और कभी भी ढह सकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी और जल निगम को जांच का निर्देश दिया है। निर्माण मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी। आसपास के 2 दर्जन मकानों को भी नोटिस भेजा गया है। तहसील की बिल्डिंग आपने जैसे देखा कि इसका जो बैक पोर्शन है, मीटिंग हॉल और संग्रह कार्यालय और भूले खनवा, उसमें वॉल में क्रैक आ गए। पूरी इंजीनियर्स की टीम है, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन, जल निगम, ये लोग सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। टेक्निकल रिपोर्ट ये लोग आज सबमिट कर देंगे और अपेरेंटली लगता है कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है और उसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से इसका समस्या का समाधान, उस संबंध में हम लोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि जहाँ पे डैमेज एरिया में वकील साहबान हो, चाहे आमजन हो, चाहे हमारी सरकार जी, सबको हिदायत देगी उधर कोई मूवमेंट ना करें। और जो 26 मकान जो कि पीछे हैं तहसील के ठीक नीचे, जो कि 40-50 फीट ऊपर तहसील बनी हुई है, तो उनको भी नोटिस दे दिया गया है, उनको भी अनुरोध कर लिया गया है, मुनादी कर ली गई कि वो लोग भी सुरक्षित अपना जगह पर रहें ताकि कोई जनहानि हो ना हो, ये सुनिश्चित करा जा रहा है। और SDM साहब और ADM साहब निरंतर इस पर सतर्क दृष्टि बनाए ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो और जनहानि ना हो। कार्रवाई संस्था पर अभी जाँच करके रिपोर्ट अभी आ जाएगी, उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलट गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण ट्रैक्टरों को सीधा करने में जुट गए। इस घटना से नोगामा सादा थाना क्षेत्र के अलीपुर कला नहर पुल के पास हुई। सिकंदरपुर में SDM और नायब तहसीलदार चमड़े के जूते पहनकर धार्मिक स्थल पर चढ़ गए, जबकि धरना देने वाले लोग जूते चप्पल उतारकर चबूतरे पर बैठे। ये घटना 23 सितंबर को भाकपा माले के धरने के दौरान हुई। हिंदू संगठनों ने इस पर रोष व्यक्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर में भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने किसानों की जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति प्रशासन की लापरवाही पर खर्चा की और 6 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत की जानकारी दी। चौहान ने टोल प्लाजा में अवैध वसूली की भी शिकायत की। कासगंज में जानलेवा हमले के आरोपी अजय कुमार ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। घटना में 6 वर्षीय मासूम बच्ची को गोली लगी थी। गुड़गुड़ी गांव में हुई इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बांदा में कोहिनूर गैंग के सदस्य ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। आरोपी ने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने की धमकी भरा पत्र छोड़ा और नाले में कूद कर फरार हो गया। घटना के समय आरोपी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेते हुए CCTV में कैद हुआ। पुलिस ने आरोपी का पैन कार्ड और एक बैग बरामद किया है। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है, जबकि पुलिस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। गाजियाबाद में एक बिल्डर ने लॉरेंस विश्नोई के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदानी मांगी गई है। ये मांग व्हाट्सएप कॉल के जरिए की गई, जिसमें आरोपी ने खुद को विश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया, पैसे की तैयारी करने को कहा। पुलिस ने 20 सितंबर को मामला दर्ज कर साइबर टीम का गठन किया और घटना का जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया। दिनांक 20/9/2024 को थाना शालीमार गार्डन पर एक सूचना प्राप्त होती है। सुधीर मलिक, जो कि थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 के रहने वाले हैं, इनके फ़ोन पर शाम करीब 18:45 पर इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस विश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपये की डिमांड की जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर दिनांक 20/9/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है और घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। शीघ्र घटना का विधिक अनावरण किया जाएगा। गाजियाबाद के न्यायालय परिसर में नवीन यादव नामक आरोपी की पिटाई की गई। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, तभी दूसरे पक्ष ने उस पर हमला किया। नवीन को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने पुलिस की लापरवाही और कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर किया है। परिवार ने न्याय और सुरक्षा की मांग की है। आज दिनांक 21 सितंबर को समय लगभग शाम के 4 बजे थाना क्षेत्र गवीनगर अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति नवीन, जिसको कि थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड हेतु प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय लाया गया था, उसके साथ न्यायालय परिसर के अंदर कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों की शिनाख्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में थाना कौशाम्बी पुलिस ने एक लुटेरे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घायल लुटेरा केतन पर मर्डर के प्रयास समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसके पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 4,850 रुपए और एक बाइक बरामद की गई है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी पुलिस आज शाम
एलिवेटेड ड्रार कट पर चेकिंग कर रही थी। उसी समय रोटरी गोल चक्कर की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, उल्टा 2/3 की पुलिया वैशाली की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया, पीछा करते हुए आगे जाकर वो दोनों बाइक से गिर गए। बाइक से गिरने के उपरांत उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। गाजियाबाद में थाना मसूरी पुलिस ने एक बदर अपराधी राशिद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। राशिद ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने उसे गोली मारी। उसे अस्पताल भेजा गया है। राशिद ने पूछताछ में बताया कि वो चोरी करके अपना खर्च चलाता है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 22 सितंबर 2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक जिला बदर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ करने पर इसने अपना नाम राशिद उर्फ मुनीरा निवासी नाहल बताया। इसने बताया कि इस पर करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उसने बताया कि वह थाना मसूरी से जिला बदर चल रहा है। इसने बताया कि यह एक चोरी से संबंधित माल बरामद करवा सकता है। इसकी बातों पर विश्वास करते हुए इसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गंग नहर पुल के